मां बनना नहीं आसान। यूट्यूबर की बीबियों ने प्रेगनेंसी में झेला दर्द, बार बार हुए मिसकैरेज, जल्द 3 बच्चों के पापा बनेंगे अरमान मलिक। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। पायल और कृतिका ने पुराने ब्लॉग्स में प्रेगनेंसी को लेकर आप बीती बताई थी। कृतिका ने बताया था कि उनके 3 बार मिसकैरेज हो चुके हैं, जिनमें से 2 बार कृतिका ने भयंकर दर्द झेला था। पायल का एक्सपीरियंस भी प्रेगनेंसी को लेकर अच्छा नहीं रहा, उनका भी 1 बार मिसकैरेज हुआ था। पायल IVF की मदद से अब दूसरी बार मां बन रही हैं। यूट्यूबर अरमान मलिक के घर डबल खुशी आने वाली है, उनकी दोनों पत्नियां कृतिका और पायल प्रेग्नेंट हैं। हालांकि ये बात अलग है, दोनों बीवियों के एक साथ प्रेग्नेंट होने पर अरमान मलिक और उनके परिवार को ट्रोल किया जा रहा है। अरमान का पहली पत्नी से 1 बेटा है। अब अरमान बहुत जल्द 3 और बच्चों के पिता होंगे। 3 इसलिए क्योंकि पायल के जुड़वा बच्चे होने हैं। इस खुशी के बीच एक बात है जो आप जानते नहीं होंगे, पेरेंट्स बनने के लिए अरमान और उनकी पत्नियों ने काफी संघर्ष झेला है। कृतिका और पायल मां बनने के लिए उस दर्द से गुजरी हैं जिसे जानकर किसी का भी दिल पसीज जाए। पायल और कृतिका ने अपने पुराने व्लॉग में प्रेगनेंसी को लेकर अपनी आपबीती बताई थी। कृतिका ने बताया था कि उनके 3 बार मिसकैरेज हो चुके हैं, जिनमें से 2 बार कृतिका ने भयंकर दर्द झेला था। इस हादसे ने कृतिका को तोड़ दिया था। वो दिन उनके बहुत बुरे बीते थे। कृतिका ने कहा था कि उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में कभी दिक्कत नहीं हुई, इसलिए उन्होंने 2 बार कंसीव किया, मगर उनकी ओवरी कमजोर होने की वजह से मिसकैरेज हो गया। डॉक्टर ने कृतिका को साफ कहा कि बिना ट्रीटमेंट लिए उन्हें कंसीव नहीं करना चाहिए, वरना दोबारा मिसकैरेज हो सकता है। कृतिका ने बताया था कि साल 2018 में उनकी शादी हुई, साल 2019 में वो प्रेग्नेंट हुई, पर 4 महीने बाद उनका वाटर बैग लीक हो गया था। उनकी बेटी होने वाली थी। पहली प्रेगनेंसी के साथ हुए हादसे के बाद साल 2021 में फिर उनका मिसकैरेज हुआ। कृतिका का वाटर बैग लीक हुआ, इस बार उन्हें लड़का हुआ था। तीसरी बार साल 2022 फरवरी में कृतिका फिर प्रेग्नेंट हुई, 1 हफ्ते बाद भी उनका ऑटोमेटिक मिसकैरेज हो गया। इसके बाद कृतिका को डॉक्टर ने ट्रीटमेंट की सलाह दी, फिर कंसीव करने को कहा। पायल का एक्सपीरियंस भी प्रेगनेंसी को लेकर अच्छा नहीं था। पायल ने अपना दर्द बताते हुए कहा, साल 2011 में मेरी पहली प्रेगनेंसी में दिक्कत हुई थी, 2.5 महीने के बच्चे का मिसकैरेज हो गया था। मिसकैरेज के बाद सफाई कराई तो डॉक्टर ने फिलीपीन ट्यूब में कुछ छोड़ दिया था। ट्यूब जाने की वजह से कैंसर के कीड़े बन गए थे। फिर उस ट्यूब को निकाला गया। डॉक्टर ने कहा कि आपके पास एक ट्यूब है जिसमें प्रेगनेंसी के चांस बहुत कम होते हैं। मेरा ऑपरेशन हुआ, 8 टाके आए, दर्द हुआ ये सोचकर कि कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। 4 साल तक हर मंदिर मस्जिद जाकर मन्नतें मांगी, IVF के लिए भी गई, पर पैसे न होने पर हमने ये आइडिया छोड़ दिया। फिर मुश्किलों से साल 2016 में मैंने कंसीव किया, तब हम आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। हम फिर भी हालातों से लड़े और मैंने पहले बच्चे को जन्म दिया। इतनी सारी जद्दोजहद के बाद फाइनली अब कपल की लाइफ में खुशियां आई हैं। कृतिका पहली बार मां बनने वाली हैं और पायल दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं। पायल IVF के जरिए दूसरी बार मां बन रही हैं। पायल और कृतिका साथ में प्रेगनेंसी एंजॉय कर रही हैं और एक दूसरे का ख्याल रखती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें और इसी प्रकार की ट्रेंडिंग न्यूज जानते रहने के लिए ट्रिगर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।